सुमुख एकदंत कपिल गजकर्णक लंबोदर विकट विघ्न विनाश विनायक है धूम्रकेतु गणापक्षय भालचंद्र गजानन। ये श्री गणपति जी के वो 12 नाम है जिनका जाप करने से कहा जाता है कि बप्पा सबके विघ्न हर लेते हैं। पर आज हम आपको बप्पा के ऐसे स्वरूप के बारे में बताएंगे जहां दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और कहते हैं कि बप्पा सबकी मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, गिरजानंद मोरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। आज हमारी मौजूदगी है जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर मोती डूंगरी मंदिर के बाहर। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूं तो भारत में कई मंदिर है, लेकिन भगवान श्री गणेश के कुछ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारिक है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की कहानी बेहद ही रोचक है। कहानी के अनुसार ये कहा जाता है कि एक राजा मूर्ति के साथ बैलगाड़ी से यात्रा करके लौट रहे थे, लेकिन ये शर्त थी कि बैलगाड़ी जहां भी रुकेगी उसी स्थान पर गणेश जी का मंदिर बनाया जाएगा। कहानी के अनुसार गाड़ी मोती डूंगरी की पहाड़ी के नीचे रुकी। जिस स्थान पर गाड़ी रुकी उसी स्थान पर सेठ जयराम पलीवाल ने मंदिर बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मंदिर को मोती डूंगरी मंदिर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मंदिर जो है तलहटी में पहाड़ी में स्थित है। इसके बाद आपको बता दें कि ये मंदिर जो है 2 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब फैला हुआ है। और अगर मंदिर के इतिहास की हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि ये मंदिर जो है 1761 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी यह है कि मेवाड़ के एक राजा थे, तो पुराने लोगों का यह कहना है कि वो बैलगाड़ी से अपनी यात्रा करके लौट रहे थे भगवान श्री गणेश की मूर्ति के साथ। तो उस दिन उस समय के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन ये बैलगाड़ी रुक जाएगी उस दिन श्री भगवान की मूर्ति को स्थापित कर मंदिर का निर्माण कर दिया जाएगा। उस दिन उस समय के अनुसार बैलगाड़ी जो थी ठीक यहीं रुकी थी, तभी से उस मूर्ति का जो निर्माण है इस मंदिर के अंदर कर दिया गया था। ये था मंदिर का इतिहास। अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं मंदिर के, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है मंदिर में खो रखी है और क्या कुछ जो कल के लिए खास तैयारियां है वो की जाएगी। तो देखिए, हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो है श्रद्धालु मौजूद है। मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। जाहिर सी बात है कि कल गणेश चतुर्थी का पर्व है, तो मंदिर को और भी सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। तो देखिए, हम मंदिर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो कल गणेश चतुर्थी के मौके पर क्या कुछ खास करने वाले हैं और किस तरह से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाएंगे। कहाँ से हैं आप? हम तो रहने वाले बंगाल के, यहाँ पर रहते हैं जयपुर। हर साल यही आते हैं पूजा? कल क्या कुछ खास करने वाले हैं? पूजा बस मुत्तु। गणेश चतुर्थी के पर्व पर आप कल क्या कुछ खास करने वाले हैं? ऐसा विशेष तो कुछ नहीं, लेकिन घर पे पूजा अर्चना करेंगे गणेश जी की। अच्छा, आपने घर पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है? नहीं, मूर्ति स्थापित नहीं है, लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन अच्छा पहले होती है। आप गणेश चतुर्थी के पर्व पर जैसे बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, आप भी रखते हैं? व्रत नहीं रखते। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे मौजूद जो श्रद्धालु जो थे उनसे बातचीत की। किसी ने कहा कि हम गणेश चतुर्थी के पर्व पर व्रत रखते हैं, तो किसी ने कहा कि हम नहीं रखते हैं। सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है व्रत करते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे गणेश जी को जो है हनुमान जी को जिस तरह से सिंदूरी चोले से चढ़ाया सजाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे गणेश जी को भी सिंदूरी चोले से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमने मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की और श्रद्धालुओं का कहना था कि हम अपनी अपनी भक्ति के अनुसार जो है गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। और वही आप देख सकते हैं कि मैच एक दिन का समय बचा है गणेश चतुर्थी में। सब तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है, सभी अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और इस दिन कई नए वाहनों की भी पूजा की जाती है। मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु अपने वाहनों की पूजा करवाने आते हैं। ये मंदिर जयपुर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के जन्मोत्सव के लिए 19 तारीख प्रातः
चार बजे मंगला आरती के साथ में भगवान के पट खोले जाएंगे। सभी भक्तजन लाइनों में लग के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन रात्रि 11:45 तक शयन आरती के साथ मंगल होंगे। 11:58 पे भगवान के जन्मोत्सव की पूजन होगी और 1:30 to 2:30 तक भोग के लिए भगवान के पट मंगल है। अभी दर्शनार्थियों के लिए 6 लाइनें आने की और 6 लाइनें जाने की हैं। एक लाइन जो पास के लिए है रात्रि को, वो भी साधारण दर्शनों के लिए खुली रहेगी। प्रातः 4 बजे से वो लाइन पास वालों के लिए खुली है। कहाँ कहाँ से? इसमें 3 लाइनें की एंट्री तो आपके जवाहरलाल नेहरू मार्ग की तरफ से है, तख्तेशाही रोड से है, और 2 लाइनों की एंट्री मोती डूंगरी रोड से। लोगों और वृद्ध जनों अपने विकलांगों के लिए ई रिक्शा चलाए जाएंगे जो ऊपर तक आएंगे। उनकी व्यवस्था यह है, या तो खाली जाने की लाइन हो उसमें उनको एंट्री कराई जाएगी, या जो पास वाली लाइन चल रही है उसमें से वो दर्शन कर सकते हैं। लिहाज से 58 कैमरे परमानेंट हैं और अभी 4 कैमरे बाल मंदिर सर्किल पे और 4 कैमरे अपने जवाहरलाल नेहरू मार्ग के ऊपर लगाए गए। बाल मंदिर सर्कल के कैमरे की मॉनिटरिंग मोती डूंगरी थाने से होगी, वो भी परमानेंट कर दिए गए हैं। ये मंदिर की ओर से जन कार्य के अंदर किया गया है और जवाहरलाल नेहरू मार्ग के ऊपर भी जो कैमरे लगे हैं उनकी सुविधा अनुसार उनको मॉनिटर किया जाएगा। ये सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग 72 दिन की हमारे पास रहेगी और ये पुलिस सुविधा के लिए काम करेगा। राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों से जयपुर आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करना नहीं भूले। ये मंदिर जयपुर और आसपास के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है।